शांति ओम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में गुरु विराजमान हो, भाई उस भाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनमें जातक के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। और जिस भाव में गुरु विराजमान होता है जातक पर, उस भाव से संबंधित इस तरह के दोष लगते हैं जिसमें जातक का कोई कसूर नहीं होता, बिना कसूर के इल्जाम लगते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जी आप कैसी बातें कर रहे हो, गुरु सबसे शुभ ग्रह है, सबसे बड़े ग्रह है, देवताओं के गुरु है, जिस भाव में विराजमान हो तो इतनी हानि तो कर नहीं सकते। कुछ जगह ये भी लिखा है कि शनि के घर में गुरु अधिक हानि करते हैं, लेकिन भाई मैं हवा में बातें नहीं करता। जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर बातें कर रहा हूं। आप किसी की भी कुंडली उठाकर देख लेना, 95% केसेस में आपको यही मिलेगा कि जिस भाव में गुरु विराजमान होगा उस भाव से संबंधित जातक को काफी उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरु है, गुरु जिस भाव में होगा उस भाव के प्रति जातक चाहेगा कि मेरा मान सम्मान अच्छा बना रहे, लेकिन उसी भाव से संबंधित जब इल्जाम लगेंगे, चाहे छोटा इल्जाम ही लगे, लेकिन जातक को उसकी जो मानसिक चिंता होगी वो भाई बहुत बड़ी होगी। तो प्रत्येक भाव में गुरु हो उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि गुरु क्या चमत्कार दिखाते हैं जातक को। देखिए कई बार इस तरह के कमेंट आते हैं जहाँ लोग आकर पूछते हैं कि सर आप उपाय भी साथ में बताया कीजिए। देखिए ये जर्नल वीडियो है जो हम बनाते हैं। दूसरी बात ये है उपाय वाली कि जो हमने कर्म किए हैं, उपाय करने से सिर्फ इतना होता है कि कर्मों का जो फल है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाता है। जैसे आपने कोई महंगी गाड़ी खरीदनी हो, आप EMI करवा लेते हो कि 10,000 महीना दे देंगे और गाड़ी का सुख ले लेते हो। इसी तरह जो आपको बुरे कर्मों का फल मिलना है, दुख मिलना है, वो मिलेगा जब तक उसको काटने के लिए आप अच्छे कर्म नहीं करोगे। और उपाय करने से सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा कि जैसे 100 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी हो तो 5-5 कर ले जाएं तो आसानी से ले जाएंगे। और अगर आप साथ में अच्छे कर्म भी कर रहे हो
तो इसका फल इस तरह का होगा। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि एक बार किसी को श्राप दे दिया किसी ने कि अगर तू ये काम करेगा तू गोबर खाएगा। तो भाई जाने अनजाने उससे वो काम हो गया। बहुत चिंता में कि अब तो गोबर खाना पड़ेगा। तो गांव था, एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास गया, कहता जी ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ तो बहुत बुरा बना। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आपको श्राप मिला है गोबर खाने का, तो आपने ऐसा करना है, गोबर के जो उपले होते हैं वो बना लीजिए, फिर उनको सुखाकर आग लगा लीजिए, जब वो राख बन जाएगा सॉरी, तो फिर आप उस राख को खा लेना। तो गोबर खाना बहुत मुश्किल था, राख खानी बहुत आसान थी। तो अगर हम अच्छे कर्म भी करेंगे और उपाय भी करेंगे, फिर गोबर की जगह हमें राख खानी पड़ेगी। इस तरह उपायों का फल होता है हमारे जीवन में। तो अपने मुद्दे पर आते हैं कि पहले भाव में गुरु हो, लगन में गुरु हो बहुत महिमा है, लगन में गुरु हो कि जातक चौकड़ी मारकर बैठता है गुरु की तरह, बिल्कुल बैठता है, अपनी हैसियत रखता है, अपने आप को समझता है कुछ कि मैं भी कुछ हूं, और दूसरों के सामने बहुत अच्छा मन में कुछ हो लेकिन जुबान पर नहीं आने देगा क्योंकि गुरु है। और हैसियत समाज में जातक चाहेगा एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए समाज में मेरी इज्जत ना कम हो, जन्मभूमि से बहुत प्यार होगा। तो भाई गुरु जब लगन में होगा तो जातक के जीवन में इस तरह की कई घटनाएं घटेंगी जिसके कारण उसकी जीवन में कई बार बदनामी होगी, या इस तरह से कह लीजिए कि बड़ी बदनामी नहीं होगी, लेकिन जो जातक का मापदंड है, जातक की सोच के अनुसार वो बहुत बड़ी होगी। दुनिया के लिए छोटी हो लेकिन जातक के लिए बहुत बड़ी होगी, जिसका सीधा असर जातक के जो मानसिक सोच है उस पर पड़ेगा, और पूरे का पूरा जीवन एक बार तो हिल जाएगा। ना काम में मन लगेगा ना खाने में मन लगेगा। इसके अलावा ये जो पहला भाव है, ये ताया जी का भाव होता है, जो ताऊ बोलते हैं, पिता का बड़ा भाई। तो जो पिता से बड़ी उम्र के लोग हैं उनसे जातक को बचकर रहना चाहिए, उनसे अधिक नजदीकी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, जब उनको आवश्यकता हो, हमारे बुजुर्ग हैं तो उनकी आवश्यकता पूरी कीजिए, लेकिन नजदीकी ना बनाए, उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। इसके अलावा जो पहला भाव है जन्मभूमि का भी है, जन्मभूमि से जुड़े जो लोग हैं, जहां जातक का जन्म हुआ था, जातक के बारे में इस तरह की बातें बनाएंगे समाज में उसकी रेपुटेशन को कम करने के लिए, जो कभी जातक ने सोचा भी ना हो, वो तो बातें बना देंगे कि जातक ने ऐसे किया है, लेकिन जातक ने कभी ऐसे सोचा भी नहीं होता।
तो बिना कसूर के जातक की इज्जत कम करने के लिए, समाज में हैसियत कम करने के लिए प्रचार किया जाएगा, जो जातक के बहुत निकट होंगे उनके द्वारा। एक बात और है कि लगन या पहले भाव में गुरु हो तो अपने बालों की ओर अधिक ध्यान नहीं देना, सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, अगर कोई बीमारी सीरियस हो स्किन को या बालों को तो भाई आवश्यक हो जाता है ध्यान देना, अदरवाइज बालों की तरफ अधिक ध्यान नहीं देना। जितने आपके बाल सफेद होंगे, कम होंगे, दिखने में इतने अच्छे नहीं होंगे, उतना ही आप जीवन में तरक्की करोगे, लोगों की चालों का असर कम होगा, जो आपके निकट हैं उनके जो षड्यंत्र हैं उनका असर आप पर कम होगा। जिनके लग्न में गुरु है भाई वो जरूर चेक करना, जिनकी उम्र 50 प्लस हो गई हो कि कितनी घटनाएं ऐसी घटी उनके जीवन में। आगे चलते हैं, सेकंड हाउस में गुरु हो, दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो जाए। दूसरा भाव है धन संचित करने का, तो संचित धन में उतार चढ़ाव आएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर गुरु अपने राशि का हुआ और अकेला हुआ तो इसके फल बहुत सीरियस होते हैं। मान लीजिए दूसरे भाव में गुरु 9 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि यानी सब राशि का अकेला विराजमान है तो इसके फल बहुत अधिक घातक हो सकते हैं, नहीं तो एवरेज फल हर राशि में मिलेंगे। धन संचित में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इकट्ठा खर्चा आ जाएगा, संचित धन कम हो जाएगा, फिर जातक धन संचित करेगा फिर कोई ना कोई खर्चा आ जाएगा। एक बात मैंने बहुत देखी है कि आसपास के लोग जो जातक के निकट के लोग हैं उन पर जातक अपना धन बहुत खराब करता है, उन पर बहुत फिजूल खर्ची करता है। जातक का जीवन साथी समझाता रहता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने जो निकटतम लोग हैं, जो उसके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उन पर भी अधिक खर्चा करता है। तो अगर नौकर चाकर हैं तो उनसे भी ऐसा व्यवहार, राजा महाराजा जैसा व्यवहार। इसके अलावा जो वाणी है जातक की उसमें थोड़ा अहंकार झलकता है। कब झलकेगा अहंकार? जब कोई जातक की बात को काटेगा, जब कोई गुरु उपदेश दे रहा हो बीच में कोई टोक दे तो गुरु को गुस्सा आ जाता है ना, उसी तरह जातक कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो पत्थर पर लकीर है, वो गलत हो ही नहीं सकता। तो भाई दूसरे भाव में जब गुरु विराजमान होगा तो आपके खानदान और कुटुंब के लोग या जिसके साथ आपने अहंकार पूर्वक वाणी का प्रयोग किया हो वो लोग आप पर इस तरह का इल्जाम लगाएंगे कि इसने ऐसा काम किया जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, बिना किसी कसूर के आप पर इल्जाम लगाएंगे। और खास बात तो ये है कि धन से संबंधित, धन के लेन देन के मसले में आपको सभी काम रिटर्न में करने चाहिए,
नहीं तो धन के लेन देन में आपको इस तरह फंसाया जाएगा कि मान लीजिए किसी को 10 लाख दे दिए, उसने आपको 5 लाख वापस कर दिए, वो बोलेगा जी कि मैंने तो 9 लाख वापस कर दिए, जा लेकर ही भूल जाएगा। तो धन के मामले में, जा परिवार में किसी की शादी हो, आपने सोना वगैरह दे दिया हो, फिर आपके बुजुर्ग आपको वापस जब करने का वक्त आया तब कहेंगे कि आपने 10 तोले नहीं दिया, आपने तो कम दिया था, तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। पहले ही सारा काम लेन देन का रिटर्न में कीजिए ताकि आपका थोड़ा बचाव हो सके। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो, तो भाई जो तीसरा भाव है मेहनत का, परिश्रम का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, गुप्त शत्रु और भाई बहन होगा। तो प्रॉब्लम क्रिएटर कौन हो गए? गुप्त शत्रु मीन वो लोग जो नहीं चाहते आपका शत्रु बनना, क्योंकि आपसे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और दिल में आपसे शत्रुता है, तो मित्र के रूप में आपके शत्रु होंगे, वो गुप्त शत्रु होंगे, गुप्त शत्रु और आपके भाई बहन। ये आप पर इस तरह का कोई प्रचार कर सकते हैं, कोई इल्जाम लगा सकते हैं, जिसके कारण जो आपका समाज में मान है, सम्मान है, इज्जत है, उसको धक्का लगेगा। तो इसके लिए तैयार रहे। और भाई बहनों की जो गतिविधियां हैं उन पर नजर रखें। अगर गुरु अपने राशि का हुआ 9 या 12 का, तो भाई समस्या थोड़ी और सीरियस हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई बहनों के प्रति हमने अपना फर्ज नहीं पूरा करना, भाई बहनों के प्रति फर्ज पूरा कीजिए, लेकिन साथ में इस बात का ख्याल रख रहा है कि जो घर का भेदी होता है वही लग का ढाता है। तो जिनको आपके सभी राज मालूम है वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और जिससे आपका मन बहुत दुखी होगा कि इतनी जिम्मेदारी, इतने फर्ज, दूसरों की सहायता की, अपने सुखों को त्याग कर इनके लिए मैंने इतना किया लेकिन बदले में क्या मिला। तो थोड़ा सा अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर कर चले ताकि मौके पर थोड़ी कम चिंता हो, या इस तरह से कह लीजिए कि मन को इस तरह से समझा लिया कि ये तो अगले पिछले जन्मों का लेन देन बाकी था। आगे चलते हैं। चौथे भाव में गुरु विराजमान। चौथा भाव मुख्य रूप से होता है परिवार का, जिसमें बच्चे, बीवी और माता पिता अगर आपके साथ रहते हैं या आप उनके साथ रहते हैं, तो परिवार के लिए जातक दिल से करता है, चाहे ऊपर से अहंकार जल के, लेकिन दिल से परिवार को इकट्ठा रखने की कोशिश करता है, अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए और जो भी माता पिता उसके साथ रहते हैं उनके लिए जितना हो सके उतना करता है। लेकिन इन सब के बाद परिवार के लोगों से
उसको धोखा ही मिलता है, धोखे से कोई ना कोई कार्य करवा लेते हैं जिससे परिवार के लोगों को लाभ हो। मेन कार्य तो भाई प्रॉपर्टी और पैसे से रिलेटेड ही होता है परिवार के लोगों का। चौथा भाव है आपकी पब्लिक डीलिंग का, अगर आप राजनीति में हैं या किसी इस तरह की पोस्ट पर काम करते हैं कि लोगों से आपका रोज का कोई रिलेशन है, सरकारी कर्मचारी हैं आप, लोग आपके पास आते हैं, आप उनका काम करते हैं, तो उनसे बचकर रहना है, खास तौर पर लेन देन के मामले में। नहीं तो जिस पर पूरा विश्वास होगा वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब चौथे भाव में गुरु आ जाए तो नींद 8 घंटे से अधिक ले, ताकि आपका माइंड इतना स्ट्रोंग बन सके कि जब आप पर प्रॉब्लम आए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपका दिमाग सहन कर सके। आगे चलते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में गुरु विराजमान हो, पंचम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात कि अगर अपनी राशि 9 या 12 में हो तो इसके परिणाम थोड़े अधिक घातक हो सकते हैं। अगर पहली संतान लड़की हो या संतान होने में प्रॉब्लम हो और गुरु अकेला हो तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु के जो बुरे फल है वो कट रहे हैं। दूसरी बात, नुकसान आपको कौन पहुंचाएंगे? जो पंचम भाव है मुख्य रूप से वो है संतान का और रिलेशनशिप का। पहले समय में प्रेम संबंध कह रहते थे, अब कहते हैं जी हमारा बॉयफ्रेंड है, हमारी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है। तो ये जो फ्रेंड वाला चक्कर है ये आपको इतना बदनाम करवाएगा, दुनिया तो कहेगी कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन आपके दिमाग पर इसका बहुत असर होगा। यानी विपरीत लिंग के सदस्यों से सावधान रहे, संतान से भी थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि इतना करने के बाद जब बच्चे कहेंगे कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए, तो भाई दुख तो होगा ही। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तर्क वितर्क बहुत अच्छा करते हैं आप, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, याददाश्त बहुत अच्छी है, बड़े से बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। जिन बच्चों की कुंडली में गुरु पड़ा है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करें, IAS तक का एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कई बार तर्क वितर्क अधिक करने के कारण सामने वाला आपका दुश्मन बन जाता है और फिर आपके खिलाफ अफवाहें फैलाता है कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं, अधिकतर नहीं करते, क्योंकि गुरु है, आप ईमानदार हैं, सच्चे दिल के इंसान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपको मालूम होता है कि समाज में ऐसी चर्चाएं हैं मेरे खिलाफ कि इसने ये किया है, इसके उसके साथ रिलेशन है,
तो भाई इससे आपका मन बहुत दुखी होगा, टेंशन में रहेंगे आप। कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन साथी को भी थोड़ा इलम हो जाता है, घर का माहौल खराब हो जाता है, क्योंकि आप इतने ईमानदार है, जब आप पर कोई क्वेश्चनिंग करेगा ये क्यों किया, ये कैसे किया, आपका मोबाइल फोन चेक होगा, तो फिर दुख तो होगा आपको। तो इस तरह की जब सिचुएशन आए तो आएगी और निकल जाएगी, जब ग्रह अपना फल दे देंगे निकल जाएगी। पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, विद टाइम सब ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं छठे भाव। छठे भाव में गुरु विराजमान हो जाए। छठा भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुद्ध का भाव है, उसमें गुरु विराजमान हो गए। तो कहां बालक बुद्धिमान बहुत है, लेकिन रास्ता नहीं पता सही जीवन का कि कौन से रास्ते पर चलना है। और गुरु जिनको पूरा ज्ञान है दुनियादारी का, तो दोनों में थोड़ी वैसे ही खींचातानी है, इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। एक तो भाई गुरु जब छठे भाव में आता है तो मानसिक चिंता के कारण, दौड़ धूप के कारण, दिमागी दौड़ धूप कह लीजिए, शारीरिक दौड़ धूप, हेक्टिक शेड्यूल, उसके कारण डायबिटीज और किडनी के रोग होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका आपको खास तौर पर ख्याल रखना है। आगे जो है शत्रुओं का भाव। तो शत्रु जो आपके होंगे, क्योंकि गुरु है उसको तो लगता है कि मैंने तो सबका अच्छा ही किया, जो मेरे पास आ गया उसको दिया ही है कुछ, मैंने आप कमी सहन कर ली, लेकिन जो मेरे पास आ गया, जो उसने मांगा अपनी क्षमता के अनुसार, मैंने उसकी हेल्प ही की है, इसलिए शत्रुओं की पहचान नहीं कर पाता। तो वो शत्रु जब आपका खराब समय आएगा, पहले ही किसी मुसीबत में होंगे, तो उस समय आप पर कोई इस तरह का इल्जाम लगाएंगे, पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाकर, षड्यंत्र बनाकर, जिसके कारण आप बहुत मानसिक चिंता में रहेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, गुरु है, मित्रों के साथ बैठकर कभी भी कोई नशा शराब वगैरह नहीं पीनी, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा छठा भाव है सेवा का, नौकरी का। जो लोग नौकरी करते हैं तो भाई वो मेरी बात नोट कर ले, छठे भाव में गुरु हो, प्रमोशंस बहुत होंगी, तरक्की बहुत होंगी, दसम भाव पर दृष्टि होगी, दृष्टि सजीवनी मानी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कार्य क्षेत्र के में आसपास के लोग आपका जो राज है उसको जानकर, जो आपने गलत काम किए हैं धीरे धीरे उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहेंगे, फिर एकदम आपके खिलाफ धावा बोलेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बुध का घर है, बुध ट्रांसजेंडर ग्रह है, तो आपके जो खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे उसमें जो मुख्य भूमिका निभाएगी कोई स्त्री होगी, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, लेकिन आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे जाएंगे उसमें स्त्री का हाथ होगा और आपके कार्य क्षेत्र की होगी। खास ख्याल रखना है, दूर रहना है उनसे।
आगे चलते हैं सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव में अगर 9 राशि हो या 12 राशि हो, यानी गुरु सब राशि का सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, अकेला हो, साथ में कोई ग्रह ना हो, किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो भाई एक बात तो पक्की है, या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या आपस में अनबन रहेगी, यानी कि जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई, मैंने कई वीडियो में बताया है, कई बार कमेंट भी आते हैं कि जी रिपीटेड वीडियो है, भाई मैं वही बात रिपीट करता हूँ जो रिपीट करनी बहुत आवश्यक हो जाती है। देखिए जहाँ शादी का मामला है, जिनकी शादी नहीं हुई, सप्तम भाव में अकेला गुरु है, तो उनको उससे शादी करनी चाहिए जिसका सप्तम भाव बहुत मजबूत है, और जिनकी शादी हो चुकी उनके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है या आपस में बहुत अनबन है, तो उनको अपने जीवन साथी से ही दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा सप्तम भाव एक तो हो गया आपके जीवन साथी का, एक हो गया साझेदारी में जिसके साथ आपका काम था या किया था या कोई भी बिजनेस था, या अगर नौकरी करते हैं तो जो आपका बहुत साथ देता है बंदा, उसको भी हम पार्टनर ही कहेंगे। राजनीति में भी जो आपका बहुत साथ देता है उसको भी हम पार्टनर ही कहेंगे। तो ये लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे और आपके खिलाफ कोई ना कोई इस तरह का षड्यंत्र वगैरह रचेंगे, जिससे जो कसूर आपने ना किया हो वो इल्जाम आप पर लगेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव से संबंधित उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, जो गृहस्थ जीवन होगा, गलत फहमियां होगी, बिना कसूर के आपका जीवन साथी आप पर शक करेगा, तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी। तो जब इस तरह की घटनाएं घटे तो पेशेंस रखना, धैर्य रखना, और समय है भाई, रुकता नहीं है, ये भी निकल जाएगा। आगे चलते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो जाए। अष्टम भाव है गुप्त, गुप्त संबंध, गुप्त धन, और जो भी गुप्त काम हमने किए हैं अपने जीवन में उनका अष्टम भाव है। ससुराल से लाभ, पत्नी की जो जुबान है, जो वाणी है, उसका अष्टम भाव है। रोगों का है, तो डायबिटीज, किडनी और लीवर के रोगों का खास ख्याल रखना है जब अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो जाए। तो अष्टम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाता है, समाज में इज्जत मान अच्छा होता है आपका, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है आपका, लेकिन गुप्त रूप से इस तरह की चालें चली जाती है आपके खिलाफ कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें एक भ्रम पैदा किया जाता है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, चाहे वो माने या ना माने, क्योंकि गुरु है, किसी का बुरा नहीं करता जिस भाव में होता है, लेकिन अच्छा करने का ढंग अहंकार पूर्वक होता है, इसलिए दूसरे कई बार अच्छे काम को भी बुरा समझते हैं। तो गुप्त रूप से चालें चली जाएगी गुप्त लोगों के द्वारा,
कई बार तो जातक को पूरा जीवन समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। ऐसी ऐसी बातें आपके खिलाफ फैलाई जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाए जाएंगे। काफी समय के बाद आपको समझ आएगा कि उस व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया था। तो भाई अष्टम भाव में गुरुओं, इज्जत मान आपका काफी हद तक कायम रहेगा, क्योंकि जब अष्टम भाव में गुरु होता है लगन के दोनों तरफ दृष्टि पड़ती है, तो लगन ऑल इन ऑल है, तो इज्जत मान कायम रहेगा। सिर्फ मानसिक चिंता रहेगी और जीवन में अचानक बड़े लाभ और बड़ी हानि होगी और अनएक्सपेक्टेड लाभ होंगे, अनएक्सपेक्टेड हानि होगी जब अष्टम भाव में गुरु होता है। शुभता पर डिपेंड करता है, अगर अधिक शुभ होगा तो लाभ अधिक होंगे, हानि कम होगी। आगे चलते हैं नवम भाव। नवम भाव में गुरु हो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु की राशि है धनु राशि, इसमें गुरु विराजमान हो गए। तो भाई जो लोग धार्मिक हैं, जिनकी आप बहुत इज्जत करते हो कि इनमें बहुत अच्छे गुण हैं, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, वही लोग आपके लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करेंगे, आपकी उन्नति देख नहीं पाएंगे, किसी और की उन्नति चाहेंगे वो कि उससे आगे आप बढ़ ना सके। जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था गुरु दक्षिणा के रूप में, इसी तरह से आपसे विवाद होगा। तो जो अपने आप को बहुत धार्मिक कहते हैं सॉरी, या जिनकी सलाह से आप काम करते हो, उनसे भाई सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। जिनके लिए आपके मन में बहुत मान सत्कार है, उनके प्रति सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। जो नवम भाव होता है वो भाई बहनोई साला ये लोग भी आ जाते हैं, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें फैलाएंगे या आप पर इस तरह के इल्जाम लगाएंगे, मन घड़ंत इल्जाम, जो काम आपने कभी किया ही ना हो और अचानक ही बदल जाएंगे, रातों रात चेंज होगा, क्योंकि भाग्य का भाव है और गुरु का अपना भाव है। बहुत आपको सदमा लगेगा, दिल को समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब नॉर्मल होंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी कि किसके मन में क्या लालच था और क्यों मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, क्यों इस तरह के इल्जाम लगे। कई बार धर्म के मामले में भी आपके ऊपर गलत इल्जाम लग जाएंगे। तो धैर्य सबसे बड़ा इलाज है, धैर्य पूर्वक रहे, कुछ समय के बाद सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाएगा। तकरीबन 16 दिन चिंता बहुत अधिक रहती है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं दसम भाव में गुरु विराजमान। दसम भाव में गुरु सबसे शुभ ग्रह, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र के भाव में विराजमान हो गया, बहुत अच्छा योग है।
काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भाई नीच राशि में आ गया। दसवां भाव को किसका, प्रशासन का, शक्तियों का, और होशियारी कितनी आप में उसका है, छल कपट कैसे करते हैं उसका है, चलाकी का है, कर्म का है, पिता और उसके धन का है। तो भाई एक तो जो भी आपका पेशा है उससे संबंधित जो लोग होंगे वो आपकी जो सभी शॉर्ट कमिंग्स है, जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स है वो नोट करते जाएंगे। एकदम नहीं नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि नीच की राशि है गुरु की और शनि की राशि है। शनि बहुत तजुर्बेकार ग्रह है, बहुत समय से प्लानिंग के साथ आपकी नेगेटिव बातें नोट की जाएंगी। उसके बाद समय देखकर जब लोहा गर्म होता है उस समय चोट मारी जाती है। इसी तरह जब आप पहले ही किसी मुश्किल में होंगे तब आपको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह का इल्जाम लगेगा कि जी ये काम तो इसने किया, उसमें आपका हाथ बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा अपनी शक्तियों का उपयोग सोच समझ कर करना, ये नहीं कि आपका पीए या और कोई व्यक्ति आपके बहुत निकट है, उसने कागज आपके आगे रखा, आपने सिग्नेचर कर दिए। तो भाई अगर ऐसा करोगे तो फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, नुकसान होगा, धन का भी होगा, मानसिक अशांति अधिक होगी। गुरु में ये बात है, जिस भाव में होता है मानसिक अशांति जातक को अधिक होती है, चाहे साथ वाले लोगों को लगे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जातक को वो बात बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि गुरु में थोड़ा अहंकार भी है, असूल भी है, मतलब कि भूखा मर जाएगा लेकिन चोरी नहीं करनी। शुक्र भी गुरु है लेकिन वो दैत्यों का गुरु है। शुक्र लग्जरी चाहेगा, साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का उपयोग करना पड़े, कोई भी नीति अपनानी पड़े। तो दसम भाव में गुरु जब इस तरह का आरोप लगे आप पर, कोई प्रॉब्लम में आ जाए, तो वो स्थान छोड़ने की कोशिश नहीं करनी। मन करेगा कि लोगों से दूर हो जाए, बिल्कुल दूर नहीं होना, उनका मुकाबला करना है, और उसी स्थान पर ये साबित करना है कि मैं सच्चा हूं ये झूठे हैं, और आप करने में कामयाब हो जाएंगे चाहे थोड़ा समय लगे। उसके बाद फिर आप कोई भी स्थान ले सकते हो, अपना स्थानांतरण वगैरह करवा सकते हो। कोशिश यही करनी है कि जिस स्थान पर आपके जो मान सम्मान था वो कम हुआ, उसी स्थान पर रहकर उसे पूरा किया जाए। आगे चलते हैं 11वें भाव पर। आमदनी का भाव है, मित्रों का भाव है, सोशल सर्कल उसका भाव है, इसके अलावा रिलेशंस का भाव है। तो भाई पहली बात, 11वें भाव में गुरु बहुत अच्छा माना गया, शास्त्रों में भी लिखा है, अनुभव में भी ये पाया गया कि थोड़ी सी बड़ी उम्र में तो फल देता है लेकिन सभी सुख देता है। तो 11वें भाव का गुरु आपको सभी सुख देगा, लेकिन जो आपके मित्र होंगे
या जो आपके बहुत करीब होंगे उनकी हैसियत आपसे अधिक भी हो सकती है, वही आपके खिलाफ कोई ना कोई इस तरह की बात कह देंगे जिसके कारण समाज में आपका जो रुतबा है इतना अच्छा वो कम होगा। रुतबा जितना कम होगा वो तो होगा, लेकिन टेंशन जितनी अधिक होगी उसके बारे में आप सोच नहीं सकते, बहुत बड़ी टेंशन होगी। तो पहले से थोड़ा प्रिपेयर रखें, और जो आपके आसपास के लोग हैं, मित्र हैं, सोशल सर्कल में जिनके पास आपसे अधिक शक्तियां हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, उनके साथ संबंध रखना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जब इस तरह की घटना घटे तो इसको अधिक सीरियस नहीं लेना। पहले भी जैसे मैंने बताया कि 16 दिन असर रहेगा, उसके बाद असर खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कर कम होता चला जाएगा। तो जब भी आपके मित्र आपके बहुत करीब आने की कोशिश करें तो उसी समय समझ जाए, आपकी चापलूसी करें उसी समय समझ जाए कि भाई दाल में कुछ काला है। इसके अलावा आपकी बहू और आपका दामाद, देखिए बहू बेटी के समान होती है, दामाद को हम बेटा कह सकते हैं। तो ये लोग भी आपकी इज्जत को कम करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग बनाते रहेंगे, तो इनसे भी आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। खासतौर पर जो मेरी बहनें हैं और नई नई बहू आई है घर में, तो बहुत कूटनीति ढंग से डील करना है। सबसे बड़ी बात है बोलने पर सोच समझ कर बोलना है, तर्क वितर्क बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो भाई आपको ही नुकसान होगा, आपकी ही चिंता बढ़ेगी। अगले भाव पर चलते हैं, बारहवें भाव में गुरु विराजमान हो। तो बारहवें भाव में गुरु विराजमान हो एक बहुत ही विचित्र स्थिति बन गई। जो बारहवां भाव है वो एक तो है खर्च का, दूसरा है आपका हॉस्पिटलाइजेशन यानी डॉक्टर्स के चक्कर, तीसरा आपका है मोक्ष का। पहले इन तीन बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि दवाइयों का दान करते रहे, दवाइयों पर खर्चा करते रहे तो डॉक्टर्स के चक्कर भी कम लगेंगे और बड़ी बीमारी छोटी में बदल जाएगी, और दवाइयों के दान से जब बीमारों की दुआएं लगेंगी तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ये अच्छा। अब जो बारहवां भाव है, एक तो वो है गुप्त शक्तियों का, दूसरा वो है हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको हम पितर भी कहते हैं उनकी आत्माओं का, और वो आत्माएं हमारे अंग संग रहती हैं। अब देखिए गुरु अपनी राशि मीन में है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो अगर जन्म कुंडली में भी ये 9 और 12 राशि का हुआ तो आप पर समय समय पर प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, अड़चने आती जाएंगी, थोड़ा नुकसान होगा, फिर जो अड़चने आई थी वो निकल जाएंगी। अगर गुरु किसी दूसरी राशि का हुआ तो आप पर प्रॉब्लम्स आएंगी,
अड़चने आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन अधिक नुकसान नहीं होगा। जो षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा गया है आपके खिलाफ, ऐसा मैंने कई कुंडलियों में देखा कि एक बंदा बैंक में बहुत अच्छी पोजीशन पर था, कोई गबन हो गया और पूरी प्लानिंग थी कि उसको फंसाना। बाई चांस जिस दिन प्लानिंग इंप्लीमेंट करनी थी, उसके सिग्नेचर वगैरह चाहिए थे, उसकी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और वो हफ्ते 10 दिन के लिए अपने कार्य पर नहीं गया, तो बहुत बड़ा बचाव हो गया उसका। तो इस तरह से आपका बचाव करेगी आत्माएं, जो बुजुर्गों की आत्माएं आपके साथ है। लेकिन बारहवें भाव में गुरु हो तो थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहे। और एक बात का ध्यान रखना कि हमने बीमारों की सहायता कर दी, उनकी दुआ भी ले ली, तो जब वो बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, फिर वही व्यक्ति आपको बुरा भला कहेगा, फिर उसकी बात दिल को नहीं लगानी। ये सोचना है कि कर्मों का चक्कर पूरा होना था, वो हो गया, मैं किसी बड़ी मुसीबत में से बच गया। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु के ऊपर कि गुरु जिस भाव में होता है, एक तो उथल पुथल थोड़ी जीवन में होती रहती है उस भाव से संबंधित, दूसरा इस तरह के इल्जाम जिसमें जातक का कोई कसूर नहीं होता। लेकिन साथ में मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि जो मेजर टेंशन है वो 16 दिन की रहेगी, उसके बाद आपको पूरा सीन समझ आ जाएगा कि किस तरह प्रॉब्लम को टैकल करना, किसकी सहायता लेनी है, फिर धीरे धीरे कर आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। आवश्यकता यही है कि धैर्य रखना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। कहना आसान है कि टेंशन नहीं लेनी, कोशिश कीजिए जितनी कम ले सको उतनी ही अच्छा। अब कहते हैं कि जी उपाय भी बता दीजिए कीजिए, तो भाई गुरु के लिए जो उपाय है वो गुरुवार के दिन बंदरों को आप केले खिला दीजिए, तो काफी हद तक जो समस्या है उसको सहने की शक्ति आप में आ जाएगी। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, अब आप इसको टेस्ट करना अपनी कुंडली पर, अपने रिश्तेदारों की कुंडली पर जिनकी उम्र थोड़ी अधिक हो गई हो, क्योंकि जब थोड़ी खराब दिशा अंतर दिशा आती है तब गुरु से संबंधित फल मिलते हैं। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कितने रिसर्च के बाद, कितनी कुंडलियां देखने के बाद ये वीडियो बना। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।